डुमरी विधानसभा के उपचुनाव के इंडिया प्रत्याशी बेबी देवी के पक्ष में जीत के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ताकत झोंक दी। रविवार को सीएम ने डुमरी विधानसभा में रोड शो किया। इनके साथ स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता, मंत्री हफीजुल अंसारी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहे। यह शो झारखंड कॉमर्स कॉलेज से शुरू हुआ, जो चिरैया मोड़ से कुलगो से सिमराडी मोड़, डुमरी बाजार, इसरी बाजार, रांगामाटी होते हुए नीमिया घाट तक पहुंचा। वहीं कार्यकर्ता सैकड़ों बाइक में सवार होकर साथ चल रहे थे। दो घंटे तक चले कार्यक्रम में सीएम करीब 12 किलोमीटर रोड शो किया। रोड शो को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखे। यहां से सीएम हेमंत सोरेन वापस झारखंड कॉमर्स कॉलेज पहुंचे। इस रोड शो के दौरान काले रंग के ओपन थार पर मुख्यमंत्री सवार थे। इस थार पर मुख्यमंत्री के अलावा हफीजुल अंसारी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री आलमगीर आलम सवार थे। इसी वाहन के अगले सीट पर इंडिया प्रत्याशी बीवी देवी बैठी थी। इस शो के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन करते दिखे। कहीं कहीं सीएम मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते दिखे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के इस रोड शो में सैकड़ों की संख्या में बाइक पर सवार होकर लोग भी पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय, विधायक सुदीप कुमार, जयमंगल सिंह, अंबा प्रसाद, पूर्व विधायक जेपी वर्मा, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, राजू महतो समेत झामुमो कांग्रेस भाकपा माले के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। ठीक है, हम अपना काम करते हैं, हम लोग अपना काम करते हैं, हमारी पार्टी काम करती है, हमारा गठबंधन काम कर रहा है, निर्णय जनता होगा। और इस लोकतंत्र में जनता सरपरी है, उसके बाद नेता। विपक्ष कहती है सहानुभूति वोट इस बार गठबंधन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये चुनाव हर उस शख्स के लिए महत्वपूर्ण है जो इस भारतवर्ष में संविधान और संवैधानिक संस्थाओं के मूल्य को समझता है। यह चुनाव तय करेगा कि भारत की जनता देश के संविधान और देश की संवैधानिक संस्थाओं के क्षरण को रोकने के लिए इच्छुक है अथवा नहीं है। ये चुनाव की जीत, इंडिया गठबंधन की जीत, आने वाले चुनाव के लिए एग्जाम्पल सेट करेगी कि इस देश की आम जनता इस देश के संविधान में आस्था रखती है और संविधान को बदलने और तोड़ने मरोड़ने के हर प्रयास का मुंह तोड़ जवाब देती है। इस चुनाव उपचुनाव में आप जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? डुमरी झारखंड आंदोलनों की धरती है और आंदोलन की धरती में तीर कमान कभी पराजित नहीं होता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार काम कर रही है, आपकी पार्टी का क्या मत है? मेरा यह स्पष्ट मानना है कि कोई भी कुत्सित इरादे से किया हुआ संविधान संशोधन का हमारा संगठन, हमारी पार्टी और मैं स्वयं विरोध करता हूं। और मैं यह मानता हूं कि देश में चली आ रही संवैधानिक परिपाटियों को बदलने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो भारत के लोकतंत्र के लिए घातक है।